हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन यूट्यूब चैनल स्मार्ट ज्ञान प्रोफेशन में डॉक्टर सत्येंद्र त्रिपाठी। दोस्तों आपको बता दूं कि आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है उन सभी लोगों के लिए जो लोग भी असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। दोस्तों एक स्टेट यूनिवर्सिटी के द्वारा ये वेरियस सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पोजीशंस आई हुई हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट में जो है और किस पोजीशन के लिए यहाँ पे आई हुई है, ठीक है। तो उसके बाद जो है बाकी डिटेल्स हम लोग देखेंगे, ठीक है, जिससे कि आपको ये भी पता चल सके कि आपका सब्जेक्ट यहाँ पे है या फिर नहीं है, आपके काम का वीडियो है या फिर नहीं है। यदि आपके काम का वीडियो नहीं है तो चाहे तो वहीं से इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सीरियल नंबर दिया है, एडवर्टीजमेंट नंबर दिया है, पोस्ट दिया है, नंबर ऑफ पोस्ट एंड डिपार्टमेंट दिया है एंड लेवल दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो है मैं आपको पोस्ट बता देता हूँ और उसके आगे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ ये पोस्ट एंड डिपार्टमेंट की बात की गई, ठीक है। तो जैसे प्रोफेसर की बात करें तो इसमें देख सकते हैं जूलॉजी में अनरिजर्व 1 दिया गया है, मैथमेटिक्स में SC का 1 दिया गया है, ठीक है। सीट्स जो है जैसा देख सकते हैं और लेवल की बात करें तो 14 है, ठीक है। एसोसिएट प्रोफेसर की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं इंग्लिश दिया गया है, इसके आगे जो है आप कैटेगरी की बात की गई है। ऐसी वेरियस आप दो अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप सीट्स यहाँ पे देख लें। फ्रेंड मैं सब्जेक्ट का नाम आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे एसोसिएट प्रोफेसर के लिए देख सकते हैं इंग्लिश है, साइकोलॉजी है, बॉटनी है, स्टेटिस्टिक्स है, एजुकेशन है, ठीक है। और लेवल की बात करें 13A है इसका लेवल। असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, ठीक है। और उसके बाद ये इसका लेवल जो है 10 है और असिस्टेंट प्रोफेसर ये कॉन्ट्रेक्चुअल करके दिया हुआ है इंग्लिश, होम साइंस, जूलॉजी, ठीक है। और इसमें आप सीट्स अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख लें, ठीक है। इसमें फिक्स्ड सैलरी की बात करी है की गई है 35,000, ठीक है, ये PM करके दिया पर मंथ। तो दोस्तों इस तरह से जो है ये सारे ये हम लोगों ने अभी देखा कि कौन कौन से पोजिशन के लिए यहाँ पे आया हुआ है ये। अब दोस्तों देख लेते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, जो कि UP में है ये यूनिवर्सिटी, ठीक है। यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आगे जैसा कि देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट किया गया है एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए एज पर UGC नोटिफिकेशन 18 जुलाई 2018 एंड सब्सिक्वेंट UP गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर ये आगे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये वेरियस पोजीशन के लिए अपॉइंटमेंट के लिए जो है यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इन्वाइट किया गया है एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट बातें हमारे अकॉर्डिंग है मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप खुद से भी जो है अच्छे से इस नोटिफिकेशन को जरूर से पढ़ लेना यदि आपको अप्लाई करना होगा तो। दोस्तों यहाँ पे एक 7th नंबर पे जो दिया हुआ है फ़ी की बात की गई है, ये दिया गया है जैसा प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो ये ₹1,000 रखा गया है फॉर अनरिजर्व OBC एंड ₹750 ये SC एंड EWS कैंडिडेट के लिए रखा गया है। और उसके बाद जो है आगे बात की गई 8 नंबर पे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जैसा दिया गया है प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर्म डेली कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट अलॉन्ग विथ सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स इज टू बी सबमिटेड बाय, ठीक है, रजिस्टर्ड और स्पीड पोस्ट एड्रेस टू द, ठीक है। कहने का मतलब कि आपको जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद जो है उसका प्रिंट आउट निकाल करके और उसमें जो है सारे डॉक्यूमेंट अटेस्ट करके आपको जो है रजिस्टर्ड या फिर स्पीड पोस्ट के द्वारा जो है आपको इस एड्रेस पे सेंड कर देना जैसा दिया गया है। रजिस्ट्रार चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ UP 25004 इंडिया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों और कुछ इंपॉर्टेंट इसमें जो बातें हैं उसको एक बार देख लेते हैं हम लोग जो है, ठीक है। उसके बाद अभी चल के यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी देखेंगे कहाँ से जाकर के इस एडवर्टीजमेंट को आप देख सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों इसमें जो और इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको मैं एक बार आपको और बता देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है 12 नंबर पर, जैसा देख सकते हैं दिया है ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है आप सबमिट कर सकते हैं, जैसा दिया हुआ है 31/1/2023 टिल 2/3/2023, ठीक है। मतलब 31/1/2023 से 2/3/2023 तक जो है आप सबमिट कर सकते हो। और यहाँ पे हार्ड कॉपी की जो बात की गई है जो आपकी हार्ड कॉपी रहेगी वो पहुँच जानी चाहिए 8/3/2023 तक या उसके पहले, ठीक है, रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट के थ्रू जो है। फिर 13 नंबर पे देख सकते हैं यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ऐसे कैंडिडेट जो ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं पहले एडवर्टीजमेंट नंबर जैसा दिया है एकेडमिक /01/2022 डेटेड 8/1/2022, ठीक है, यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में, तो उनके केस में जैसा दिया गया है कि अब उन्हें जो है आवश्यकता नहीं है फॉर्म को अप्लाई करने की। लेकिन आगे फिर बात की गई हाउएवर एडिशनल इन्फॉर्मेशन इफ एनी कैन बी सेंड ऑन द गिवन फॉर्मेट, ठीक है। लेकिन यदि एडिशनल कोई इन्फॉर्मेशन हो तो उस केस में जो है वो सेंड कर सकते हैं ये फॉर्म गिवन फॉर्मेट जो है उसमें, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे और देख लेते हैं कि कहाँ से जाकर के इस एडवर्टीज जो रिक्रूटमेंट नोटिस या एडवर्टीजमेंट जो आया हुआ है इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। फ्रेंड्स जैसे देख सकते हैं अभी हम लोग चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ की वेबसाइट पे हैं और इसकी वेबसाइट एक बार आपको बताते हैं CCSUniversity.ac.in जो इसकी वेबसाइट है। इस पर दोस्तों नीचे जब आएंगे तो नीचे आकर के यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि ये दिया हुआ है
दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं ये ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल फॉर एकेडमिक पोजीशन 2023 के बाद इस पर जब क्लिक करेंगे तो इस पर क्लिक करने के बाद जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसा दिया हुआ है ये बात की गई है इसमें एडवर्टीजमेंट एलिजिबिलिटी इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट यहाँ से आप देख सकते हो एलिजिबिलिटी इंस्ट्रक्शंस जो भी आप देखना चाहते हो। एडवर्टीजमेंट हम लोगों ने अभी इस वीडियो में देखा, अभी आपको मैंने जो डिटेल बताया तो दोस्तों यहाँ से जाकर के इस एडवर्टीजमेंट को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। दोस्तों यदि आपको आज का वीडियो यूजफुल इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो जरूर से वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा को बेनिफिट हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा को इन्फॉर्मेशन मिल सके। और फ्रेंड्स यदि आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम हो, यदि आपको लगता हो कि ये चैनल आपके लिए यूजफुल इन्फॉर्मेटिव हो सकता है तो चाहे तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात आपको और बताते हैं कि आप खुद से भी जो है ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ के वेबसाइट पे जाकर के जो भी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में प्रोवाइड की गई आप खुद से भी जो एक बार वेरीफाई कर लें, चेक कर लें, पढ़ लें, समझ सेटिस्फाई हो लें, तभी इस एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करें, अदरवाइज ना करें, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग किसी अदर इन्फॉर्मेशन के साथ। दोस्तों इतना पेशेंस के साथ आज का वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।